हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी ड्राइंग फ्रेंड निकिता। तो आज हम लोग जो बनाने वाले हैं वो है मैन विद अ गिटार का ड्राइंग ऑयल पेस्टल की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी ड्राइंग को मास्क टेप लगा लिया है और जो फिगर मुझे ड्रॉ करना था उसका मैंने एक रफ आउटलाइन बना ली है। मैंने लिया है डॉम्स का ऑयल पेस्टल और इसमें फर्स्ट शेड जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है लाइट ब्राउन कलर का। अब मैंने लिया है 029 शेड बफ। अब आगे का प्रोसेस तो आपको पता है, बस आपको एक नया शेड उठाना है और वो है मीडियम येलो। इससे एक्चुअली में जो ब्राइट लुक आ रहा है दरवाजे के बाहर का, जैसा पिक्चर में दिख रहा है, वो इसी कलर से आने वाला है। तो इसको थोड़ा ज़्यादा करिएगा। और मैंने इसको थोड़ा बाउंड्री में भी कर, ये मैंने ले लिया है लाइट येलो कलर और जितना मुझे लग रहा है मैं उसको कर रही हूँ। अब सेंटर में हम लोग लेंगे वाइट कलर और एक शेडिंग इफेक्ट के लिए उसको थोड़ा सा करके छोड़ देंगे। टिश्यू पेपर लीजिए अब आप एक, और जो सबसे अच्छा काम होगा वो करिए, मतलब ब्लेंड करिए। तो मैंने इसको ट्रायंगुलर शेप में कर लिया है और इसकी जो एज है, ध्यान रखिएगा एज से ही आपको ब्लेंड करना है ताकि जो फोर्स है वो एफिशिएंटली लग पाए। हमेशा हमेशा ब्लेंड करते समय ध्यान रखिए कि आपको लाइट से डार्क जाना है। अब बारी है हमको जो बैकग्राउंड है उसको कलर करने की। तो मैंने लिया है ब्लैक कलर और मैं इससे सबसे पहले एक आउटलाइन बनाऊंगी और फिर उसको पूरा अंदर फिलअप करूंगी। मैंने इसको पीस बाय पीस किया है, मतलब थोड़ा सा पार्ट मैंने पहले कलर कर दिया और उसके बाद ब्लेंड किया है, क्योंकि इससे हाथ थोड़ा कम दुखता है, नहीं तो ब्लेंड करने से हाथ एक्चुअली में बहुत ज़्यादा दुखता है बाद में। तो ऐसे ही मैं पीस बाय पीस करके पूरा बैकग्राउंड ब्लैक कर दूँ। मैं ले रही हूँ एक ग्लास मार्किंग पेंसिल और ये जो ग्लास मार्किंग पेंसिल होती है ये ऑयल पेस्टल्स, लेदर, ग्लास सभी चीज़ों के ऊपर एक्चुअली चल जाती है। अगर आपके पास ग्लास मार्किंग पेंसिल नहीं है तो आप परमानेंट मार्कर या ब्लैक कलर का स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ग्लास मार्किंग पेंसिल ही यूज़ कीजिए, क्योंकि ये पहली बात ये अफोर्डेबल है और दूसरी बात अगर आप परमानेंट मार्कर यूज़ करते हैं तो थोड़ी देर बाद जब ऑयल पेस्टल पे आप इसको चला लेंगे तो परमानेंट मार्कर बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाएगा आपका और आपको बहुत सारे परमानेंट मार्कर यूज़ करने पड़ेंगे आपके हर ड्राइंग के लिए। तो इसलिए अच्छा है कि आप ग्लास मार्किंग पेंसिल खरीद ही लीजिए।
अराउंड 60 रुपीज़ आती है। और अगर आपको देखना है तो मैंने इसका अमेज़ॉन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसको देख सकते हैं। तो मेरा जो फिगर है उसको मैं सिर्फ एक बाउंड्री दे रही हूँ, और इसके बाद भी मैं वही सेम करने वाली हूँ, मैं इसमें अंदर फिलअप कर दूँगी पेंसिल से ही। अच्छा, ये पेंसिल से करने से, क्योंकि ये पेंसिल है तो ब्लैक, बट एक बार में ही डार्क ब्लैक नहीं आता है, थोड़ा पहले लाइट शेड आता है। तो मैंने क्या किया है, वीडियो में दिखाया नहीं है, डायरेक्टली एडिट कर दिया था वीडियो, बट मैं इसको डबल लेयर करती हूँ, तब जाके वो एकदम परफेक्ट ब्लैक आता है। अगर आपके पास पेंसिल नहीं है और आप इसको ब्लैक ऑयल पेस्टल से ही करना चाहते हैं तो आप उसको वैसे भी कर सकते हैं, ऑयल पेस्टल से इसको करिए, और फिर उसके बाद इसको जैसे अपन ने बैकग्राउंड में ब्लेंड किया था, वैसे ही आप इसको भी ब्लेंड कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये होती है कि जब अपन ऑयल पेस्टल से ब्लेंड करते हैं तो ये जो फाइन आउटलाइंस आती है एक फिगर की, वो कभी कभार नहीं आ पाती या कहीं अपने से मिस्टेक हो जाती है। तो ट्राई कीजिए कि आप पेंसिल से ही करें। तो ये आपने देखा, ये लाइट शेड आया है इसमें, तो मैंने इसको क्या किया है, एडिट करने से पहले वीडियो मैंने इसको डबल कर लिया था। तो अब मैं ऐसे ही गिटार के साथ भी करूँगी। मैं गिटार के साथ भी ऐसे ही करने वाली हूँ। गिटार थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है तो मैं इसको ड्राइंग करते समय ठीक कर लूँगी। आप जब बनाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि गिटार आपका सही बने। और हमारी ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बस मैं फाइनल टच दे रही हूँ। बस एंडिंग में ग्रास थोड़ी बनाऊँगी ताकि वो एक ग्राउंड वाला लुक आए और थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि इस ड्राइंग में थोड़े एलिमेंट्स कम हैं, तो आप ग्रास बना के एक अच्छा फाइनल इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, और आपको ड्राइंग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय।